झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों के लिए एक बेहद बुरी खबर है। वेतन मान में फंस गया है पेंच। आखिर किस प्रकार की समस्याएं थी, क्यों उलझा कर रख दिया शिक्षा मंत्री ने, और शिक्षा मंत्री दोषी हैं या अन्य अधिकारी या पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, क्यों ऐसा मामला उलझता चला गया। आज ऐसा देखा जा रहा है कि पारा शिक्षकों के नियमावली बनने का काम फिलहाल टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के आंदोलन पर कही है ये बात कि पारा शिक्षक स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि पारा शिक्षकों में आपसी मतभेद है, जिसके कारण नियमावली को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। बहुत ही पीड़ादायक ये खबर है दोस्तों। आखिर इन तमाम पारा शिक्षकों को याद करके अगर देखा जाए तो बहुत ही अंदर से एक अजीब स्थिति उत्पन्न होती है। आखिर इनका क्या दोष था, ये इतने लाठियां खाई, इनकी क्या दोषें थी। आखिर तमाम समस्या से उलझते और सुलझते पारा शिक्षक जब नियमावली के करीब पहुंचते हैं तो आखिर ऐसा क्या होता है कि वे नियमावली से हाथ धो बैठते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज ये वीडियो में आप देखेंगे कि इनका समाधान कैसे हो, और देखा जाए कि आपके नेता कौन वफादार है और कौन है गद्दार। समस्या अनेक है पर समाधान भी सिर्फ एक है। रास्ते मंजिलें सभी की एक थी, लेकिन फिर भी एक रूपता न रहने के कारण इनको हाथ धोना पड़ा। आपको ये चेहरा याद होगा, ये हैं माननीय झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। ये जब चेन्नई में एडमिट थे तो पारा शिक्षकों ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, यहाँ तक कि यज्ञ की हवन की ताकि इनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार हो। हालांकि जब ये चेन्नई में एडमिट थे तो इनकी तबीयत दिन प्रतिदिन जब बिगड़ती जाती थी तो पारा शिक्षक हमेशा चिंतित रहते थे। इनके मन में एक ही सवाल आती थी कि एकमात्र हमारा टाइगर ही था जो हमारा उद्धार कर सकता है। लेकिन इन्होंने भी पारा शिक्षकों के पर पानी फेर दिया। बहुत ही अजीब घटना है। आपके नेता कौन गद्दार हैं, कौन वफादार हैं, आपको निर्णय आज इस वीडियो के माध्यम से लेना होगा। कुछ चंद नेताओं के कारण भोले भाले मासूम पारा शिक्षकों ने अपने नियमावली को करीब आता देख अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका हाथ धो डाला है। दोस्तों बहुत ही पीड़ादायक खबर है, वास्तव में रुलाने देने वाली ये खबर है। ये देखें कैसी स्थिति है, कितने तमाम पारा शिक्षकों की कुर्बानियां देनी भी पड़ गई। हालांकि वही हालात फिर से हमारे सामने आ चुका है। 2008 की रणनीतियां और उसमें साजिश करने वाले चंद लोगों के कारण ये आज स्थिति उत्पन्न हो गई है। तमाम भोले भाले मासूम पारा शिक्षक शिक्षिकाएँ जिनके आँखों की दृष्टि देखते ही स्पष्ट पता चलता है कि इनके चेहरे पर कैसा दुख है। दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर अभी एक एक कर बारीकी से चर्चा किया जाएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाएगा कि आपके नेता में कौन है वफादार और कौन है गद्दार। आखिर ऐसा गद्दारी क्यों, छोटे मोटे समस्या तो अलग रखिए, ये बहुत बड़ी समस्या जो आज जिंदगी भर के लिए समस्या सुलझने वाली थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो नियमावली से हाथ धोना पड़ा झारखंड के पूरे पारा शिक्षकों को। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, आगे चलते हैं कि क्या आपके नेता में कौन है वफादार और कौन है गद्दार, कैसे आपके समाधान हो सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी उलझने हैं, आपको मैं एक एक करके छोटे छोटे तीन वीडियो दिखाऊंगा और आप खुद से निर्णय ले पाएंगे कि आपके नेता कौन थे गद्दार और कौन थे ईमानदार। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, बने रहिएगा इस वीडियो में। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आखिर इसमें धोखा देने वाले कौन थे। ध्यान से सुने इस छोटे से वीडियो को, मैं अभी प्ले करता हूँ, साउंड थोड़ा कम है, आप ध्यान से सुनेंगे। Thank you.
तो दोस्तों ये थे एक जुझारू नेता जो एकीकृत पारा शिक्षक संघ के जुझारू नेता माननीय संजय दुबे थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था इस आंदोलन में जब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा था ये पारा शिक्षकों के विधायक आवास के घेराव कार्यक्रम, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ये नहीं जानता कि टेट अनटेट प्रशिक्षित अप्रशिक्षित कौन है। मैं पूरे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का कल्याण की बात माननीय मंत्री से मांगने आया हूँ, उनके दरवाजे पर आया हूँ, अब वो कैसे देंगे ये उनकी हाथ की बातें हैं। दोस्तों अभी आपने ये छोटे से वीडियो देखा, उसमें आपको जो भी आपकी जो भावनाएं होंगी आप कमेंट में अवश्य हमें शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी आप ये देखें ये लाठियां खाते हुए बेचारे की हालत कैसी है, पता नहीं इनके ज़िंदगी बच पाई होगी या नहीं, बचेगा या नहीं। दोस्तों ये दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर पारा शिक्षक एक बार फिर से रांची की धरती पर कूच करेंगे। हालांकि रांची की धरती पर जाने से भी फिलहाल कोई लाभ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या और भी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई है कि मैं इतने वर्षों से कार्यरत हूं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने दें, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के हितों के ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी भावनाओं का कोई कदर नहीं किया जाएगा, जो रूल रेगुलेशन हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर एक बात और बड़ी समझने वाली है दोस्तों कि हम पारा शिक्षकों के मन में एक सवाल उत्पन्न हमेशा होते हैं और वही जो है से हमें विकट परिस्थिति में ला देता है, वो क्या है कि हम वोट बैंक हैं। हालाँकि मैं वोट बैंक हैं, हम लोग वोट बैंक हैं, रघुवर दास को हटा भी दिया, रघुवर दास को सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी दिया, लेकिन इसमें एक बात समझने की है, ऐसा देखा जाता है कि झारखंड में करीब करीब 65,000 पारा शिक्षक हैं जिसमें 13,000 जो हैं वो टेट पास हैं, शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। दोस्तों यही जो गुटबाजी है यही सबसे बड़ा समस्या है, ये गुट के चक्कर में और एकीकृत पारा शिक्षक के संघ से मुंह मोड़ने वाले कुछ पदाधिकारियों ने। हालांकि प्रशिक्षित शिक्षक संघ में भी 96% ऐसे पारा शिक्षक हैं जो एकीकृत के अंग हैं। हालांकि सरकार ने छोटे मोटे को तोड़कर अपना उल्लू सीधा साध लिया। दोस्तों अब यहां समझने की बात यह है कि वोट बैंक तो हम हैं, लेकिन उससे बड़ा वोट बैंक और भी कोई है, वो कौन है? झारखंड में मात्र 65,000 पारा शिक्षक, नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों के लिए जब तक स्थायीकरण नहीं होता है उनको कोई रहने का जगह नहीं है। अब दोस्तों पारा शिक्षक कितने? 65,000। गैर पारा शिक्षक जो पारा शिक्षक नहीं हैं उनकी संख्या लगभग 1,00,000 है जो टेट पास हैं। अब इस बात को अपने मन में मंथन करें और विचार करें कि कैसे हमारा हो सकता है समाधान, क्यों हैं हम लोग परेशान? अगर सरकार 65,000 को किनारा धरा देती है और 1,00,000 गैर पारा शिक्षक जो टेट पास हैं नई शिक्षा नीति में अगर उनको बहाल कर लेती है तो क्या वो 1,00,000 परिवार का वोट सरकार को नहीं मिलेगा? अगर 65,000 का वोट नहीं मिलता है और 1,00,000 परिवार का वोट मिलता है तो दोस्तों सरकार की ये पॉलिसी होती है कि तोड़ो और जोड़ो, इधर पारा शिक्षकों को तोड़ेंगे उधर गैर पारा को जोड़ेंगे। लेकिन ये चंद पारा शिक्षक ने ये नहीं समझ पाया और भोले भाले मासूम पारा शिक्षकों को जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं उनको जो है फिर से एक बार आंदोलन की रूख अपनाने को बेकरार कर दिया है। दोस्तों और भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा छोटे छोटे बहुत सारे, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, आप देखें और आपकी आंखें खुल जाएगी कि आखिर कौन सी समस्या है, हम किनके साथ रहें, प्रशिक्षित शिक्षक संघ के साथ रहें या एकीकृत पारा शिक्षक संघ में रहें कि अप्रशिक्षित में रहें, जो 65,000 का कल्याण करे उसमें रहें। दोस्तों ये बेहद पीड़ादायक बातें हैं, बहुत ही अंदर से भाव विहल होता है जब इस प्रकार के दुख तकलीफ
देखने को मिलती है। दो बूंद पानी भी नसीब नहीं होता है जब ऐसी हालात आते हैं। दोस्तों तो आप बने रहिए इस वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो और भी मैं दिखलाता हूँ जिन्होंने नियमावली का विरोध करने के लिए शुरू से अंत तक लगा रहा और अंततः आज उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना भी पड़ा। तो दोस्तों अभी बने रहिए वीडियो में, मैं छोटा सा वीडियो को आपको अभी तुरंत दिखलाता हूँ। आप बने रहें, मैं लगातार आपको वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिए इस वीडियो को, एक निर्णय हो चुका है, हम लोग नियमावली का विरोध करेंगे दुर्गा पूजा के बाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि नियमावली का विरोध करने की बातें इस वीडियो में कही गई। हालांकि नियमावली का विरोध करना तो दूर, यहां तक कि नियमावली का दर्शन करने को भी इन्हें नहीं मिला। कैसी नियमावली होती, क्या होती, सरकार अपने मंसूबे पर कामयाब होती नजर आ रही है। कौन है गद्दार और कौन है वफादार, फैसला आपको लेना है। समस्या अनेक है, समाधान सिर्फ एक है। दोस्तों आज कैसे समस्या हो इस बात की भी इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे समाधान हो। मैं बारीकी से सर आपको अभी एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। दोस्तों एक वीडियो आपने देखा जिसमें 65,000 पारा शिक्षकों की कल्याण की बातें कही गई। अभी आपने दूसरी बातें देखी जिसमें ऐसा कहा गया कि हम नियमावली का विरोध करेंगे। विरोध क्या, विरोध तो दूर, आपको नियमावली का दर्शन भी नहीं हुआ। चलते हैं अगले वीडियो की ओर, बने रहिएगा ये छोटे से वीडियो में जो आज आपकी आंखें खोल देगी कि आखिर हमें कहाँ चूक हो रहा है कि हम आज 2002 से अभी तक दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। देखिए आगे एक वीडियो जिसे आपने देखा भी होगा, बने रहिएगा इस वीडियो के बाद भी। नियमावली में परीक्षा की तिथि निर्धारित हो कि परीक्षा कब होगी और फिर परीक्षा कितना कितना महीना के अंतराल में होगा, वो नियमावली में निर्धारित हो, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद परीक्षा 6 माह के अंतराल में होगा तो वो लिखना होगा, 3 महीना के अंतराल में होगा तो लिखना होगा, क्योंकि बिहार का परीक्षा, पहला परीक्षा 2009 में हुआ था, दूसरा 12 में और तीसरा 16 में। पहला परीक्षा का क्वेश्चन का स्वरूप बहुत आसान था, लेकिन दूसरा उससे भारी या तीसरा उससे भी भारी। तो हम अगर परीक्षा देंगे तो बिहार का जो पहला क्वेश्चन है उसका स्वरूप उसके अनुरूप एग्जाम देंगे, अन्यथा इसका विरोध हो। बार परीक्षा में अगर हमारे पारा शिक्षक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसको रखना होगा नियमावली में, यह लिखित हो। इसलिए कि शिक्षा मंत्री हमेशा से यही बोलते आ रहे हैं कि हम एक भी हमारा झारखंड का पारा शिक्षक को हम हटने नहीं देंगे। और अगला पॉइंट है परीक्षा डेट वाला करता है, 2013 में डेट पास किया परीक्षा, उसको 9 बार काउंसिलिंग का मौका मिला, फिर जिसका नौकरी होना था हो गया, जिसका ना हुआ इसका मतलब वो हमसे भी नीचे है, उसका परसेंटेज कम है, वो आज आकलन देगा तो वो फेल हो जाएगा, डेट देगा तो फेल हो जाएगा, तो उसको आप वेतनमान डायरेक्ट क्यों करें, उसका भी एग्जाम होना चाहिए और हम तब आकलन देंगे, उसका भी होना चाहिए। और हमारे जो एनसी वाले शिक्षक हैं उसका क्या दोष है, जब आप बहाल किए उस समय परसेंटेज नहीं खोजे, बाद में अप्रूवल लिए बेचारा दिया, समय लेट, आप लेट से रिजल्ट सरकार दी, उसका क्या गलती है, आप एनसी लगा दिए, रिजल्ट पेंडिंग कर दिए और आप नियमावली में आज उसको स्थान नहीं देंगे, तो ये सरासर अन्याय है, उसको भी जगह देना होगा। उसके बाद नियमावली के साथ साथ मानदेय वृद्धि हर हाल में अनिवार्य है, 12,000 रुपया मानदेय हम शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विधायक को देंगे, वो अपना जिंदगी जी के एक महीना दिखा दे तो हम उसके यहाँ गुलामी करेंगे, अन्यथा इसका हम विरोध करेंगे। जिस तिथि से वेतनमान डेट पास को अगर दे देता है बिना परीक्षा का तो हम मान लेंगे, उसको आप 9300 का पेश कर दीजिए, हमको इतराज नहीं है, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन उसी डेट से हमको बढ़ा हुआ मानदेय मिलना चाहिए, तब हम नियमावली स्वीकार करेंगे, अन्यथा विरोध करेंगे। उसके बाद सीटेट, दोस्तों मेरे दिमाग में यह बात हमेशा आता है, आप लोग भी साथी लोग लिखते हैं सोशल मीडिया में, सीटेट बहुत ही जेटेट से आसान लगता है, एक बार हम एग्जाम में बैठे हैं, सीटेट का प्रावधान भी अगर दे देती है सरकार तो प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि सीटेट साल
में दो बार होता है, आकलन तीन बार होगा अर्जेंट। तो दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये श्रीमान ने एक बातें बिल्कुल सटीक कहा जिसका समर्थन झारखंड के पूरे 65,000 पारा शिक्षक करता है। वो क्या था, इन्होंने अच्छी बात कही कि 12,000 रुपये में मात्र कुछ नहीं होता है, इसलिए मानदेय बढ़ाया जाए। मानदेय अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो समस्या बनी रहती है। हालांकि दोस्तों अभी इसमें आपने देखा कि इन्होंने सिर्फ टेट का विरोध किया। दोस्तों हमें ऐसा लगता है, आपको ये चैनल के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि अगर शायद पूरे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों में से किसी भी के पास अगर एक ऐसा वीडियो हो जिसमें टेट पास पारा शिक्षकों ने प्रशिक्षित पारा शिक्षक का विरोध किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित का विरोध किया है। तो दोस्तों अपने ही पारा साथी से विरोध क्यों क्या करना, हमेशा ये टेट का विरोध, प्रशिक्षित का विरोध, यही आपके जीवन को बर्बाद कर रखा। जिसमें आपने देखा होगा अभी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि बिहार के नियमावली को लेकर पहले थे तैयार लेकिन अब हो गए नाकार। पहले तैयार थे, आपने कहा कि बिहार के नियमावली दो, अब कहते हैं कि बिहार की नियमावली नहीं दो। नियमावली का विरोध क्या करेंगे, सरकार तो आपको नियमावली दे ही नहीं रही है, आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या आकर के आप लोगों के सामने खड़ी हो गई है। इसके पहले आपको ले चलते हैं ये सरकार के शासन में, इन्होंने भी बैठक में एक बार शिक्षा मंत्री की जब बैठक हो रही थी, प्रतिनिधिमंडल पारा शिक्षकों के उपस्थित थे, उस समय शिक्षा मंत्री नीरा जाधव थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पारा शिक्षक एक मत नहीं है, पहले वे फैसला करके आए कि उनको क्या चाहिए। दोस्तों समय ऐसा आता है कि पहले से सब एक होते हैं लेकिन जैसे ही कुछ मिलना प्रारंभ होता है आपस में फूट हो जाता है और फूट का नतीजा आज आपके सामने है। ये विकट समस्या है। हालांकि वास्तविकता है कि इनको सिर्फ पारा शिक्षक और अनुबंध कर्मचारी मिलकर इन्हें झारखंड से अलग कर दिया, लेकिन फिर हम लोग वही स्थिति में आ गए, जो सरकार को हमने चुना आज वो सरकार भी आपकी बातों को आपसी फूट के कारण मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों एक छोटा सा और वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समस्या का समाधान कैसे हो उसकी ओर ले चलता हूँ। तो देखें बने रहिए इस वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो अभी दिखलाते हुए मैं समाधान की ओर आगे बढ़ूंगा। बहुत विकट समस्या पारा शिक्षकों के साथ आकर खड़ा हो गया है, कैसे इन पारा शिक्षकों का समाधान हो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। दोस्तों समस्या अनेक है, समाधान आपका सिर्फ और सिर्फ एक है, आप अगर उसको नहीं ध्यान दे पाएंगे तो आपके सामने विकट समस्या बनती जा रही है। दोस्तों अभी फ़िलहाल वो वीडियो कहीं चेंज हो गया है, आप जो है आपको कुछ समय में मैं दिखलाता हूँ। तो अभी आप चलिए आपको ले चलते हैं, ये देख लीजिए एक और हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने वास्तविकता में ये पारा शिक्षकों की कल्याण की बातें की, लेकिन प्रशिक्षित का संघ बड़ा देखकर इन्होंने टेट का हमेशा क्या कहा क्या नहीं कहा, आप इसे सुने। एक पास पारा शिक्षकों का ग्रुप ये सुबह से मुहिम चलाया कि डिसलाइक अधिक से अधिक करवाया जाए, ये मुहिम चलाया गया, चलिए ठीक है, टेट वाले साथी मुहिम चलाए कि डिसलाइक की संख्या बढ़े ताकि विक्रांत ज्योति पारा शिक्षकों के संदर्भ में YouTube पर भी अपनी बात न रखे, जबकि मैं टेट और अनटेट में तफरका नहीं करता हूं। मेरे घर में आज भी मेरे मित्र, बहुत नजदीकी मित्र टेट पास हैं, मेरी बहन टेट पास हैं, ये तफरका मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये तफरका आप लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप, फिर से दोहरा रहा हूं, टेट पास का एक ग्रुप ये सुबह से मुहिम चलाया प्रशिक्षित लोगों के बारे में, एक प्रशिक्षित की अगुआ उसी वीडियो पर कमेंट लिखे कि सोशल मीडिया पर प्रशिक्षित कम सक्रिय है इसलिए नहीं।
तो देखा अभी आपने इस वीडियो में तमाम ऐसे छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आपको ये स्पष्ट करती है कि आपकी स्थिति क्या है, कहाँ पर हम लोग जायज हैं और कहाँ नाजायज़ हैं। दोस्तों ये दिन याद कीजिए कि एक एक पारा शिक्षकों ने खून से प्रधानमंत्री को अपने लहू से पत्र लिखा था, कितना आंदोलन किया, कितना समय कटा, टलते गया जाने गई, लेकिन फिर भी पारा शिक्षक जब वास्तविकता ये है जब कुछ मिलने की स्थिति आती है उसी समय अपने आप में वापसी फूट ऐसा हो जाता है कि षड्यंत्रकारी सफल हो जाते हैं और एक भोले भाले सीधे साधे पारा शिक्षक उनके चंगुल में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों अब ले चलता हूं मैं आपको समाधान की ओर। अभी आपने देख लिया होगा कि आपके नेता कौन वफादार और कौन है गद्दार। समस्या ए अनेक है, समाधान आपका सिर्फ और सिर्फ एक है। तो दोस्तों चलते हैं समाधान की ओर। वास्तविकता अभी देखा जाए तो दोस्तों ये सर्वनाश तो आपका हो चुका, आपके 20 वर्ष की उम्र चले गए, आपने गोल्डन पीरियड समाप्त कर दिया। आपने हमेशा आंदोलन में भी ये कहा गोल्डन पीरियड समाप्त। वास्तव में आपका गोल्डन पीरियड तो समाप्त हो गया। अब यहाँ बात ये है कि नहीं मांग सके हैं सही मांग। वास्तविकता में दोस्तों चाहे जो हो, वास्तविक मांग पारा शिक्षकों ने कभी नहीं मांग पाया। इतना सूत्री मांग मांगा जो पूरा नहीं हो पाया, जबकि सिर्फ एक मांग वेतन मान था। 75 गुटों में बंटकर 75 रंग के मांग आपको सर्वनाश की ओर लेकर चला गया। अब सही मांग क्या है दोस्तों? अभी जैसा कि आपने देखा होगा पिछले आंदोलन जो आप लोग कर रहे थे उसमें 33 नंबर की बात करते थे बहुत से आपके राजनेताओं ने, 33 नंबर मांगते थे। उसमें भी उनका कहना होता था कि मैं 12 वर्ष काम किया, 13 वर्ष काम किया, उसमें प्रत्येक वर्ष के दो दो अंक हमको वेटेज मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने 10 वर्ष काम किया, 20 अंक वेटेज अगर सरकार देती है तो क्या आप 30 अंक में 10 अंक लाएंगे? ये कोई मांग है जो कभी जीवन में पूरा हो सकता है? कहीं ऐसा संविधान है? दोस्तों ये मांग बिल्कुल सरासर गलत था। अब आगे देखते हैं ये सही मांग आपका क्या है। ये सही मांग भले ही तरह तरह के कमेंट्स इस वीडियो में फिर से आने लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये मांग यही है और यही मांग पर भले ही शिक्षा मंत्री जो भी कह दें वो भावना की कद्र करते हुए टालते गए, अंततः आपको यहीं पर आकर मामला उलझ गया। जब नियमावली जब बन गई है, पूरे भारत में लागू हो गया है कि बिना टेट के पारा शिक्षक नहीं रह जाएंगे, एक भी शिक्षक नहीं रहेंगे, तो दोस्तों अब कैसे समाधान हो? तो यहाँ पर देखा जाता कि टेट में वेटेज लेकर कर सकते थे पास, जैसा कि बिहार में भी ऐसा हुआ था। टेट में वेटेज लेकर के, वेटेज की मांग करके कि मैंने 10 वर्ष काम किया, दो अंक हमको दे दीजिए, 10 में 20 अंक आपको मिल जाते, 78 नंबर लाना था, आपको मात्र 58 नंबर ला करके पास हो जाना था। अगर ये लीगल मांग रखा जाता तो शायद शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे हर हाल में पूरा कर देते और टेट लेकर हर हाल में आपकी सेवा बरकरार हो जाती। दोस्तों अधिकांश देखा गया है कि बहुत से पारा शिक्षक मात्र 2, 4, 10, 20 नंबर के लिए पीछे पिछड़ गए हैं, लेकिन हम आकलन देंगे तो आकलन नहीं देंगे। हम 10 वर्ष काम कर चुके हैं उसके आधार पर कीजिए, इसके आधार पर कीजिए, आज उसका खामियाजा तमाम पारा शिक्षकों को भुगतना पड़ा जो परीक्षा देना भी चाहते थे। दोस्तों लीगल मांग यही है आपके पास, अगर आगे बातें बनती है तो आप मंथन करके, ऐसा नहीं ये वीडियो जो आपको बता रहा है सिर्फ इसी की बात माने, आप एक बार फिर से मूल्यांकन करें 65,000 पारा शिक्षकों के साथ, और अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये सही है तो आप टेट में वेटेज लेकर पास कर सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ी बात, अगर आकलन होता सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षक बैठते, पारा शिक्षकों को अधिकारी कभी देखना नहीं चाहते, वो इतना बड़ा, इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ देते कि सारे के सारा पारा शिक्षक रह जाते, जनता में भी आपकी छवि धूमिल हो जाती। और ये टेट में अगर आप वेटेज लेते हुए पास कर जाते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों आगे है क्या है, करने लगे नियमावली का विरोध, बिना सोचे समझे मीडिया में खबर देने लगे,
चारों बगल ऐसा बयां करने लगे कि हम ये नहीं मिलेगा नियमावली का विरोध करेंगे, वो नहीं मिलेगा नियमावली का विरोध करेंगे। सरकार ने आपके चाल को समझ लिया, भांप लिया कि एक छोटा सा संगठन, बड़ा संगठन वो नहीं है, उसमें बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसे शामिल हैं जो नियमावली का विरोध करना चाहे। लेकिन सरकार की नीतियाँ होती है फूट डालो और राज करो। एक छोटे से संगठन को उसने एक बहुत बड़ा जगह दे दिया ताकि हम आराम से अपने मंसूबे में कामयाब हो सकें, तो नियमावली का विरोध करने लगे। आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया भी, तो नियमावली का विरोध जब आपने किया तो सरकार की हो गई बल्ले बल्ले। अब सरकार जो है से आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप आंदोलन के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों आप आंदोलन कर सकते हैं, रांची की धरती आपको पुकार रही है, रांची की ओर रुख करें और आंदोलन लगातार करते रहें। यही बातें आगे है कि आपके षड्यंत्रकारी जो हैं मंसूबे में कामयाब रहे, जो भी षड्यंत्रकारी हो, जो भी आपके नेता हों, वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। चंद लोगों ने इस नियमावली का सर्वनाश कर दिया। दोस्तों सर्वनाश तो हो चुका, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आचार संहिता आपके नज़दीक है, दूर दूर तक नियमावली का कोई आसार दिखाई नहीं देता, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक नियमावली का प्रारूप क्लियर किया ही नहीं। दोस्तों वास्तविक मांग जो है सिर्फ और सिर्फ ये है, भले ही कटु है पर कड़वा सत्य है, अगर 20 अंक वेटेज मिल जाता है तो हमें नहीं लगता कि किसी भी पारा शिक्षकों का कुछ बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मैं ऐसा जानता हूँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो एक मित्र ने कमेंट किया था कि आप चाहे जो भी समझा लें हम सुधरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आप सुधरने वाले नहीं हैं तो सरकार आपको हर हाल में सुधार देगी, नई शिक्षा नीति करीब है, आपको बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। आप अगर नियमावली, अब नियमावली का तो बात ही करना दूर है क्योंकि सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, धन्यवाद।